गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टूडेज आवर टॉपिक इज इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 लाइसेंस की हुंदा सी एक रिटन परमिशन सीगी जो कि गवर्नमेंट वालों प्रोवाइड की जाती सी एंटरप्रेन्योर नू किसी भी उद्यमी नू अपनी प्रोडक्शन नू वधान दे लई। ठीक है, तो की हो गया कि अपनी जड़ी हैगी है लाइसेंस की हुंदा सीगा, लाइसेंस का मतलब की हुंदा वै, ते लाइसेंस इज ए रिटन परमिशन, एक रिटन परमिशन हुंदी है ग्रांटेड टू एन एंटरप्राइज जो कि एंटरप्राइज नूं दित्ती जांदी है किसी भी उद्योगपति नूं जो कि बिजनेस कर रहा वै। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दे द्वारा टू मैन्युफैक्चरर्स द प्रोडक्ट मैंशन, उन्हें किया है जो कोई भी प्रोडक्ट में किया है मैन्युफैक्चर करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उन्होंने गवर्नमेंट तो पहला परमिशन लेनी पैंदी सी, लाइसेंस लेना पैंदा सी। ठीक है, जिवें कि उन्होंने नेम द प्लेस एंटरप्राइज उन्होंने दसना, एंटरप्राइज में नेम दसना पैंदा सी प्लेस का, फिर कड़ा प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट का नाम, फिर प्रोडक्ट प्रोडक्शन कपैसिटी की, अपनी प्रोडक्शन किस कपैसिटी तक करेगा उन्होंने दसना पैंदा सी कि मैं अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन इस लैवल तक करूँगा, तो एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, इस सारे बारे उन्होंने की है लाइसेंस लेना पैंता सी। ऑब्जेक्टिव की है कि लाइसेंस क्यों लेना पैंता सी, की उद्देश्य सी, इन्हें की हुंदा सीगा टू इंप्लीमेंट द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, टू इनकर्स समॉल स्केल इंडस्ट्रीज नू इनकर्स करन लई, टू इंश्योर इनकर्स न्यू एंटरप्राइज फॉर एस्टैबलिश न्यू इंडस्ट्रीज, तां जो नवे इंडस्ट्रीज की है अपने नवियाँ की है नवे नवे इंडस्ट्रीज की है एस्टैबलिश कर सकन, टू रिड्यूस रीजन इंबैलेंस जड़े कि अनबैलेंस पाया जाता है कि कोई एरिया वध डिवेलप हो गया कोई घट हो गया उनकी जड़ी अनइक्वैलिटी है उन्होंने रिड्यूस करन दे लई, टू चैक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि जड़ी पावर कुछ ही लोगों के हाथ में तो नहीं आ रही उन्होंने चैक करन दे लई कि जड़ी पावर है कि कोई इंडस्ट्रीज जे लाइसेंस ना लेना पवेगा तो की होएगा, कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपनी कपैसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बहुत ज़्यादा मनी अर्न करके वो की है इंडस्ट्रीज जी मोनोपली है अपने हाथों के ही ना केंद्रित कर ली, सारी मोनोपली पावर ना उनके हाथ में आ जाए, उनके लिए की है गवर्नमेंट ने एक की है लाइसेंस लेना हुंदा सी, ते गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुंदा सी इंडस्ट्रीज दे कि वो इन्ने पैसा ही इनवैसट कर सकता इंडस्ट्रीज दे विच, ते इस कपैसिटी तो वध प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये आप पहलां दी गल कर रहे जो इंडस्ट्री पॉलिसीज चल रही थी। ठीक है, 1951 दे विच तो इन्दे विच की हुंदा सीगा कि हुण किसी गवर्नमेंट फिर चैक कर देंदी सी कि प्रोडक्शन भी इंडस्ट्री सारे जिन्ने भी इंडस्ट्रीज ने वो की है कि इक्वल बैलेंस दे नाल काम करन, इक्को कपैसिटी रखन, जेकर एक इंडस्ट्री वध प्रोडक्शन नहीं करेगी तां ही नवे इंडस्ट्रीज एस्टैबलिश होणगियां। यह लाइसेंस पॉलिसी का तां ही रखिया गया सी कि हरेक चीज़ लई लाइसेंस लैणा जरूरी क्यों सी, इसलिए जरूरी सीगा तां जो कुछ पावर है कुछ ही लोगों के हाथ दे विच ना आ जाए, तां करके गवर्नमेंट ने किसी इंस्ट्रक्शनस लगातियां सी कि आपां इस लैवल तक पैसा इनवैसट कर सकते हैं, इन्नी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो कि प्लेस से एरिया वगैरह डिसाइड किया हुआ कि इंडस्ट्रीज आप कितने लगानियां ने। ठीक है, टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी एडवांस मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी की है प्रमोट करने के लिए, तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिट तो रेगुलेट लोकेशन कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन में रेगुलेट करने के लिए कि इंडस्ट्रीज आप एरिया कितने लगा सकते हैं। नीड फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस लैन की सिग्निफिकेंस की सीगा ज नीड क्यों सी। फोर स्टार्टिंग न्यू वेंचर, जो कोई नवा उद्योगपति मार्केट के आ रहा है उन्हें जो नवी इंडस्ट्रीज कोई भी लगानी है तो उन्होंने पहला की है गवर्नमेंट तो लाइसेंस लेना पवेगा। इट इज़ कंपलसरी टू ओबटेन लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल एक्ट टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज। टू एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कपैसिटी, जेकर कोई अपनी प्रोडक्शन कपैसिटी को बढ़ाना चाहता है तो उन्होंने की है कपैसिटी बढ़ाने से पहला गवर्नमेंट तो परमिशन लेनी पवेगी। फोर चेंज इन लोकेशन, जेकर कोई अपनी इंडस्ट्री की लोकेशन चेंज करना चाहता है, सपोज अज बनाला ले लेने चलो वैसे तो उनकी इंडस्ट्री इतने है वो इतों अपनी इंडस्ट्री में शिफ्ट करके कितने होर लगाना चाहता है तो उन्होंने पहला उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जेकर कोई न्यू प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना चाहता है तो उन्होंने हाँ जी 1991 ओनली 15 इंडस्ट्रीज सीगिया जो कि इन्हें इनवॉल्व सीगिया डिफेंस विच इनवायरमेंट अल्कोहल प्रोडक्ट एंड एक्सप्लोजिव सेक्ट हैव टू ऑबटेन अ लाइसेंस कि जोड़े है सिर्फ इन्ना 15 इंडस्ट्रीज से रह गया सीगा कि जिन्हों के वास्ते असा लाइसेंस लेना की सीगा जरूरी सीगा, इन कुछ दसिया हुई ने कि बाकियों वास्ते हो गया कि लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। रिजर्वेशन फॉर पब्लिक सैक्टर्स, पहला की सीगा कि 17 इंडस्ट्रीज सीगिया जड़िया कि गो पब्लिक सैक्टर के अंडर रखिया सी, बाकी सारी प्राइवेट करतियां सीगिया। पब्लिक रखन का मतलब कि 17 इंडस्ट्रीज सिर्फ पब्लिक सैक्टर ही लगा सकता है, बाकी इंडस्ट्रीज परमिशन देती सी कि प्राइवेट सैक्टर इन्हां इंडस्ट्रीज के पैसा इनवैसट कर सकता है, लेकिन बाद 1991 के 8 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने आपके अंडर रख लिया, बाकी सारी इंडस्ट्रियां किनू देती प्राइवेट सैक्टर्स में देती।
प्रोटेक्टिव कवर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोटेक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट ने 1970 के 836 आइटम्स की रिजर्व रखते सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिए, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्हां इंडस्ट्रीज के पैसा इनवैसट नहीं कर सकदियां। वो सी 836 प्रोडक्ट सी आइटम सीगियां जिहड़े कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर रहनगियां, उही इन्हां चीज़ां दी की है इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, यानी कि उन्हां प्रोडक्ट दियां जिहड़े 836 आइटम सीगियां उन्हां आइटम्स ते लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि जेकर उन्होंने पैसा इनवैसट करता तो इन्दे नाल की होएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो खत्म ही हो जाएगियां। ठीक है, उस तो बाद आ गया लाइसेंस फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कपैसिटी। तो इन की आ गया सीगा कि पहला की सीगा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहला 25% ऑफ देयर ओरिजिनल प्रोडक्शन कपैसिटी, बट अकॉर्डिंग टू नोप पॉलिसी पहला की सीगा MRTP दे कंपनियां सीगियां। ठीक है, MRPT कंपनीज मतलब मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, इन द बाय मोर दैन 20% ऑफ देयर ओरिजिनल प्रोडक्शन कपैसिटी। पर नवी की हो गया सीगा कि न्यू पॉलिसी की सीगा कि अपनू लाइसेंस लेना जरूरी नहीं सीगा। पहला की सी 1970 दी लाइसेंस पॉलिसी दे अकॉर्डिंग जेकर किसी ने 25% तो वध पैसा इनवैसट करना तो उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी सीगा, लेकिन 1991 दे विच नवी पॉलिसी बनी जिंदे अकॉर्डिंग उन्होंने कोई भी लाइसेंस लैन की जरूरत नहीं सीगी। देयर इज़ नो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन प्रोडक्शन, जेकर उन्हें अपने प्रोडक्शन कपैसिटी इनक्रीज़ करना है तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी की सी इंस्ट्रक्शन नहीं सी। सिर्फ 6 इंडस्ट्रियां सी इस तरह दी जिंदे लिए जेकर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उन्होंने लाइसेंस लेना जरूरी सी। डेफिनेशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस की हो गया सीगा, अकॉर्डिंग टू लाइसेंस पॉलिसी ऑफ 1973 इंडस्ट्रियल हाउस हैव एसेट ऑफ मोर दैन 20 करोड़ कुड क्वालीफाई एज इंडस्ट्रियल सैक्टर इंडस्ट्रियल हाउस। तो 1985 कि हो गया सीगा 100 करोड़ हो गया सी। तो हुण नवी पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ होल्डिंग एसेट्स वर कंप्लीटली अबलाइज एंड नाउ इट डेट देयर नो इंस्ट्रक्शन ऑन द साइज ऑफ लार्ज एसेट वाज कंप्लीटली। की हो गया सीगा कि पहला की सीगा कि लार्ज इंडस्ट्रीज की सीगी एक की बनी हुई सीगी एसेट की एक लिमिट सीगी 1969 दे विच किन्नी सीगी 20 करोड़ सी, 85 दे विच किन्नी करती 100 करोड़ करती, 1991 दे विच जिहड़ी ये लिमिट बनाई हुई सी इंस्ट्रक्शन लगी हुई सीगी उन्हों की है खत्म करता सी बिल्कुल भी, यानी कि कोई भी अपनी इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट वास्ते कोई भी किन्नी भी पैसा इन इनवैसट कर सकता है। ठीक है, तो अगे की आ गया सी 1999 दे विच सिर्फ की है यह 6 इंडस्ट्रीज रखिया सीगियां, उस तो अलावा किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए की है पैसा इनवैसट लाइसेंस लेना जरूरी नहीं सी। डिफेंस आ गया सी, तंबाकू आ गया सी, एक्सप्लोजिव आ गया सी, ड्रग्स आ गया सीगा, कैमिकल्स आ गए सी, अलकोहल प्रोडक्ट आ गए सी, सिर्फ इन्ना 6 चीज़ा गवर्नमेंट ने आपके अंदर रखिया सी जां इन्ना लई लाइसेंस लेना जरूरी सी। इन्ना दी प्रोडक्शन कपैसिटी दी एक लिमिट सीगी, बाकी किसी भी इंडस्ट्रीज दी कोई भी लिमिट नहीं रही सी, यानी कि उन्होंने लिए उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन कपैसिटी नूं इनक्रीज़ करना है तो गवर्नमेंट तो लाइसेंस लैन की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं सी। पहला की सी कि पहला की इंडस्ट्री पॉलिसी के अकॉर्डिंग जेकर किसी ने कोई नवी इंडस्ट्रीज लगानी है तो उन्होंने गवर्नमेंट तो परमिशन लेनी पेगी, गवर्नमेंट वालों इंस्ट्रक्शन से कि वह इस लिमिट तो वध पैसा की है खर्च नहीं कर सकते, इस तो वध प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो जिन्ना करके की है कि इंडस्ट्रीज की डिवेलपमेंट ज़्यादा नहीं होंगी सी क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा लगिया हुई सगिया। फिर जो दत्त कमेटी बनाई गई, हजारी कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने देखा कि अपना इंडस्ट्रीज का एरिया का जो हाथ है खिंचया हुआ वै बनया हुआ वै, तो उन्होंने फिर सुजैशन दितियां कि अपना इंडस्ट्री सैक्टर में जेकर वध पैसा इनवैसट करने की परमिशन दे दिए, प्रोडक्शन कपैसिटी उन्होंने जी लिमिट है उन्होंने वधा दिए जब बिल्कुल खत्म कर दिए तो इंडस्ट्रियल डिवेलप कर सकती है। तो ठीक है, उन्होंने सुजैशन ध्यान के रखते हुए सिर्फ आ 6 इंडस्ट्रीज सगिया जिन्हें लाइसेंस लेना जरूरी सी जब पब्लिक सैक्टर के अंडर रखे गए थे, बाकी सब दे की है खुली परमिशन से जिनी मर्जी प्रोडक्शन कपैसिटी वधा सकते हैं, कोई पैसा खर्च करने की लिमिट नहीं सी। ठीक है, यही सी तुहाडी इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी। इस तो बाद हुण आपां नवा चैप्टर शुरू करांगे अपना। ठीक है, जे किसी नूं कोई डाउट होएगा तो क्लीयर कर लिया करो, हुण तुसीं एडमिशन करवाउण लई स्कूल भी आ रहे हो तो असीं उत्थे ही हुंनी है मैं, तो जे किसी ने कोई पॉइंट समझना है तो समझ के आपके पॉइंट्स क्लीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक तुसीं कोई भी लै सकते हो, इंद्र कुमार की लै लो, यूनीमैक्स की लै लो, TR जैन की बुक लै लो, किन्ने ही बुक सिलेबस कवर कर रही हैं, किन्ने ही बुक अच्छी हैं। ठीक है।